नमस्कार। जहां महिलाएं आज के युग में स्वतंत्र हैं और महिलाओं को हर तरीके से राइट्स मिले हुए हैं, परंतु उन राइट्सों का महिलाएं दुरुपयोग करती नजर आ रही हैं। ऐसा ही ठीक मामला सामने आया जिसका निर्णय और उसमें केस लड़े हैं हमारे आदरणीय, हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सोनी जी, अधिवक्ता मनोज सोनी जी, अधिवक्ता रवि सोनिया जी। आइए इनसे ही बात करते हैं कि क्या मामला हुआ था और कैसी महिला थी जिनके आप लोगों ने इस पर केस सॉल्व किया। वीरेन जी, हमारा एक सामने आया, हमारे पास एक केस आया अलूपुर का, उसमें एक महिला द्वारा एक लड़की पर झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया। उसके ऊपर 376 का धारा, IPC धारा 376 मामला दर्ज करवाया गया और ST/ST का एक्ट का भी मामला उस पर दर्ज करवाया गया। तो इस कंसर्न में मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है उसकी जमानत की। तो माननीय न्यायालय ने उस पर विचार किया और आदरणीय न्यायालय द्वारा उसमें मुझे जमानत कैदी को स्वीकार करके जमानत, हमारे पक्षकार को जमानत दी गई। मनु सुनी जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो आपने मामला सॉल्व करवाया आप दोनों ने मिलकर, तो ये कितना वक्त लगा इन मामले को सॉल्व करवाने में? मनु सुनी जी, नहीं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा जी। इसको जनवरी के फर्स्ट वीक में हमने क्रिमिनल अपील फाइल की थी, उसके बाद क्या बोलते हैं कल कौन सी तारीख थी, कल के दिन माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा हमारे पक्षकार को जमानत दी गई। और वैसे तो वो 13/9 से जेल में है। रवि सोनी जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो महिलाएं हैं अभी जो अपने कानून का दुरुपयोग करती नजर आ रही हैं, प्रशासन की जो छूट मिली है उसका दुरुपयोग कर रही हैं, तो आपके मायने में क्या ये चीज सही है या गलत? देखिए वीरेन जी, क्या होता है कि ये तो कानून बनने के बाद तो दुरुपयोग करना ना करना है ना, ये तो उनकी महिलाओं के इस ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों के ये कानून इसलिए बनाया जाता है कि बाकी लोगों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन कई लोग अपने निःस्वार्थ के लिए, क्या हुआ है ST/ST के तहत एक शासन द्वारा पीड़ित पक्ष को 2.5 लाख रुपए सहायता देने की किया गया है। तो इस लालच में भी कई महिलाएं ऐसा कार्य करती हैं और कुछ लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना के